नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर थ्री एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडालॉजी। आज हम अपन हिंदी पेडालॉजी का मॉक नंबर टेस्ट करेंगे, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रेकली या अभिक्रमित अनुदेशन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रमित अनुदेशन। भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? तो अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण के अंदर किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और ड्रेकली पद्धति आती हैं। और यह पूछ ले अभिक्रमित अनुदेशन, तो यह आती है आपकी अधिगम से संबंधित होती है, अभिक्रमित अनुदेशन संबंधित। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रोवेल का या किलपैट्रिक। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का मानना है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या कक्षाभिनय प्रणाली। तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कक्षाभिनय प्रणाली। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी नहीं है? तो यह है कक्षाभिनय प्रणाली। अव्याकृति प्रणाली इसमें आती है, निगमन प्रणाली इसमें आती है और आगमन प्रणाली, ये आती है सब व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रणाली है, पर यह कौन सी नहीं है? तो कक्षाभिनय प्रणाली इसके अंतर्गत नहीं आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद या लखनऊ। तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ापुर। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्ज़ापुर। और यह कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या खुमाण रासो। तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर डी, खुमाण रासो। आदिकाल की रचना कौन सी है? तो आदिकाल की रचना है खुमाण रासो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजनाओं में उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या मौन वाचन के पहले। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना, प्रश्न के पश्चात। हिंदी गद्य शिक्षण पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है तो प्रस्तावना, प्रश्न के पश्चात। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण। तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर ए, वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो वो होता है वाक्य प्रयोग करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निरामिस किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, यात्रा में विचरण करने वाला या मृत्यु का इच्छुक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांस रहित भोजन। निरामिष किसे कहते हैं? तो निरामिष का शब्द होता है मांस रहित भोजन। और मोक्ष का इच्छुक, तो मोक्ष का इच्छुक किसे कहते हैं? मोक्ष की इच्छा करने वाले को मोक्ष का इच्छुक कहते हैं। और रात्रि में विचरण करने वाले को हम कहते हैं, रात्रि में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? रात्रि में विचरण करने वाले को कहते हैं हम निशिचर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1971, 1972, 1973 या 1974। तो हमारा आंसर होगा 1972। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसायी। हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर है स्त्री। वनिता का प्रयोग स्त्री के रूप में होता है। और स्त्री के पर्यायवाची अगर आपसे पूछ ले तो क्या है? इसके हैं नारी, कलत्र, त्रिया, वामा, कांता, रमणी, कामनी, ये इसके पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव। तो हमारा से आंसर होगा विष्णु। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है। और इसके पर्याय पुंडरीकाक्ष, चक्रपाणी, उपेंद्र, चतुर्भुज, गरुड़ध्वज, विशंबर आदि भी इसके नाम हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले, कण मुस्काय या आलोक पर्व। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह क्या होता है? तो वो है चिंतामणि। हमारा अगला क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए या अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उनको अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना या संवाद? तो हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास करना। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास करना। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा करना या यह सभी? तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। उच्च प्राथमिक स्तर में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उच्च तरीका है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा करना, यह सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये आज से मैंने एक आपका नया टॉपिक शुरू किया हिंदी पेडालॉजी, जिसमें आपके आज मॉक टेस्ट पहला था और मैंने आपको इसमें 15 क्वेश्चन कराए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपको इस ऐसे ही क्वेश्चन आगे चाहिए, मॉक टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करना है, तो मुझको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज हम वापस आज हिंदी पेडालॉजी का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। कल मैंने आपको गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन कराए थे, चैप्टर वाइज ही कराए थे, उसमें 15 क्वेश्चन कराए थे। आपने अच्छे कमेंट किए, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज हम हिंदी पढ़ेंगे, एक दिन अपन हिंदी पेडालॉजी पढ़ेंगे, एक दिन अपन हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे और एक दिन अपन पढ़ेंगे गणित पेडालॉजी, ठीक है। तो आज अपन, मैंने आपको ये सारा सिलेबस भी करा बता दिया है, PDF भी दे दी थी, है ना, ये 15 क्वेश्चन करा दिए थे मैंने सारे। अगर आपको PDF नहीं मिले तो वो एक बार मैसेज कर देना। ये आज से अपन पढ़ेंगे 16 क्वेश्चन, 16 से लगा के 30 तक के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज मैं आपको हो सका तो एक गद्यांश या पद्यांश भी पढ़ा दूंगा। पहले अपन 16 से लगा के 30 तक के क्वेश्चन करेंगे और आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। आपके रोज़ 2 बजे हिंदी पेडालॉजी, गणित पेडालॉजी, हिंदी ग्रामर, तीनों में से एक वीडियो डेली आ रहे हैं आपके हिंदी के। तो कल आपका गणित पेडालॉजी का था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके वीडियो देख ले। इससे पहले मैंने आपको 25 प्लस वीडियो करा दिए थे गणित के, हिंदी के 25 प्लस करा दिए थे। आज अपन करेंगे हिंदी पेडालॉजी का क्वेश्चन नंबर 16। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चार ऑप्शन हैं, पाठ्यपुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल देना, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, और चौथा है समाचार पत्र, पत्रकार या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात को निहितार्थ समझकर ही पहचान करना। बताएं इसका आंसर क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहाँ होगी, बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, पेडालॉजी में सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आपको लगेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, पर ये है ना, सारे एग्ज़ाम में जो आपकी पुरानी एग्ज़ाम में हुई वो सारे क्वेश्चन में चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। तो आप इसे देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र, पत्रकार या अन्य भाषी सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच समझ कर ही पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है, बताएं, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सुंदर शास्त्र से परिचय या इंग्लैंड निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये इंग्लैंड नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, सुनी, पढ़ी और समझी,
सुनी पढ़ी और समझी भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में कौन सा सहायक है? सुनी देखी पढ़ी घटनाओं को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लेखन या किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। बताएं इसका आंसर क्या होगा। सुनी पढ़ी और समझी भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने के लिए आप कौन सा सबसे उचित मानोगे इसमें से? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपने लगा दिया होगा और ए वाला, सुनी देखी और पढ़ी घटनाओं को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध चरण के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्यिक सराहना, सामाजिक साहित्यिक बोध, सौंदर्यात्मक बोध, सामाजिक राजनीतिक, भाषा साहित्यिक ऐतिहासिक या साहित्यिक बहुत सराहना बोध ऐतिहासिक, बताएं। भाषा के संदर्भ में ये देखो यहाँ पे डैश है, साहित्यिक सराहना ऐतिहासिक, साहित्यिक बोध, सौंदर्य बोध, सामाजिक राजनीतिक, ये सब डैश है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सा महत्वपूर्ण है? साहित्यिक बोध, सौंदर्य बोध और सामाजिक राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है, कक्षा आठवीं के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है? कक्षा आठवीं का जो बच्चा है उसमें साहित्य का चयन करते समय आपको उसके बारे में क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, अच्छे साहित्य का प्रकाशन लेखन, बच्चों की भाषीय पृष्ठभूमि या बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषा के प्रयोग की क्षमता, बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषा प्रयोग की क्षमता। कक्षा आठवीं का जो बच्चा है उसके लिए साहित्य का चयन करने के लिए आपको क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? तो हमें यह जानना सर्वाधिक जरूरी है कि उनमें बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और उसके भाषा का प्रयोग की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, हमारे अनुभव को आकार देने में, मतलब हमारे जो अनुभव है उसको बड़ा करना, मतलब आकार देने में भाषा के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जो अनुभव है उसको बड़ा करने में भाषा की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। इसका शिक्षक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करके विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर पर बातचीत की जाए या सदैव अनुभव पर बातचीत की जाए। और चौथा है, अनुभवों को लेखन कार्य बढ़ाया जाए, बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करके विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर पर बातचीत की जाए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, और चौथा है अपने इस बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, बताएं इसका आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, बताएं इसका सही आंसर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य यह है कि अपने इस बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, अपने ही इसी बात को दूसरों के सामने व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है अत्यंत जटिल प्रक्रिया, भाषा की कक्षा से ही संभव है, घर में ही संभव है या विभिन्न विषयों की कक्षाओं से संबंध है, बताएं। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं से संबंध है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया या किस सिद्धांत के माध्यम से पता है? मतलब
तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया किस सिद्धांत के माध्यम से पता चलता है? बाल केंद्रित सिद्धांत से, शिक्षण सूत्र से, बहुमुखी प्रयास से, या अभ्यास सिद्धांत से? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास के सिद्धांत से। हमें यह पता चलता है कि पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 25। भाषा के सभी रूपों में से किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? भाषा के सभी रूप में से किस रूप का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? लिखित, सांकेतिक, मौखिक या व्यवहारिक, बताएं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भाषा के सभी रूपों में से मौखिक भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ये बताएं, गरिमा पेड़ को पैर बोलती है, मतलब पेड़ को पैर बोलती हैं, इस कारण उसे सहपाठी बहुत चिढ़ाते हैं। इस स्थिति में शिक्षण का कौन सा सिद्धांत गरिमा को सहायता करता है? स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वयं संशोधन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्र के प्रयोग का सिद्धांत, या मौखिक तथा लेखन कार्य का सिद्धांत, बताएं। गरिमा पेड़ को पैर बोलती हैं, तो इस कारण सभी लोग उसे चिढ़ाते हैं। तो इस स्थिति में शिक्षण का कौन सा सिद्धांत गरिमा को सहायता करता है, मतलब कि वो सही से बोले, पेड़ को पेड़ ही बोले, बताएं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा उसको स्वयं संशोधन का सिद्धांत, उसे स्वयं को संशोधन करने का सिद्धांत, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पढ़ने में प्रभाव, अर्थ का निर्माण, वर्गों की पहचान, या विराम चिन्हों का ज्ञान, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी। 28। प्राथमिक स्तर पर भाषा की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विभिन्न अवसर देना, बताएं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विभिन्न अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की सर्वश्रेष्ठ विधि है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करके विभिन्न अवसर देना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बताएं। चार ऑप्शन है, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं से अभिव्यक्त करने का माध्यम बताना, बच्चों के घर की भाषा स्कूल की भाषा में संबंध बताना, और चौथा सुनी गई बातों का जो का त्यों दोहराना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनी गई बातों का जो का ऐसे के ऐसे दोहराना प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको एक गद्यांश पढ़ाऊँगा। भाषा रिक्त स्थान और रिक्त स्थान उत्तम स्थान है, पढ़ने लिखने संप्रेषण, सुनने बोल, देखो यहाँ कोमा है, पढ़ने फिर लिखने संप्रेषण, सुनने बोलने सोचने, सोचने महसूस करने और चीज़ों को से जुड़ने, पढ़ने लिखने और समझने, बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आज मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन कराए थे और 15-30 क्वेश्चन हो गए हिंदी पेडालोजी के। इससे पहले मैंने आपके हिंदी के 25 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। इसके बाद मैंने आपके गणित पेडालोजी के भी 25 से 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, वो नहीं देखे वो भी देख लेना। आपको अगर इनकी लिंक नहीं मिली है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986, तो मैं आपको इस पे सारी जानकारी दे दूँ। हमारी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, मैथ्स, CDP, इंग्लिश, सारी। अगर आपको परचेस करना है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना। अब मैं आपको ये 15 क्वेश्चन हो गए, मैं आपको PDF भी इसके दे दूँगा। अब अपन करेंगे एक गद्यांश, ये मैं आज इसका एक आपको पद्यांश कराऊँगा। ये अभी जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी, मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबल टेस्ट 2018 में 17 फरवरी 2019 को 2:30 बजे, ठीक है। तो आज मैं इसका एक पद्यांश कराऊंगा आपको, गद्यांश पद्यांश। तो आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में आएंगे जो वर्ग 3 की।
ये देख ली, जनरल हिंदी ये एक गद्यांश है। आज इसको पढ़ के मैं आपको इसका पूरा क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये एक इतना बड़ा पद्यांश है और खाली इसने एक क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें, फिर ये का ये गद्यांश यहाँ टाइप कर रखा। अगर जिसने पुराने आपने देखे नहीं होंगे और आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप इसको भी पढ़ोगे पूरा और ये एक ही क्वेश्चन लगाओगे, फिर इसको भी पढ़ोगे पूरा फिर एक ही क्वेश्चन लगाओगे, फिर इसको भी पढ़ोगे पूरा एक ही क्वेश्चन। अपन पढ़ेंगे खाली एक बार और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसी को हम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि सब एक ही है। इसने खाली एक क्वेश्चन दिया, ये इतना बड़ा पढ़ेगा आदमी फिर ये एक क्वेश्चन करेगा, इतना बड़ा पढ़ेगा फिर एक क्वेश्चन करेगा, इसलिए ना इस अपन को एक बार देख के जाना ज़रूरी है। तो मैं आज आपको इसका एक पद्यांश पूरा पढ़ा देता हूँ और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार आपको करा देता हूँ। चल शुरुआत करते हैं। कोशी कहाँ से बस चली, कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। कोशी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। आपको एक एक लाइन पढ़ना है और उस पर ध्यान देना है। कोशी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडोल पत्थर पर कल कल करती हुई कोसी, कौन से पत्थर पर? सुडोल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, किनारों के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरी मखमली खेल। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, अगर आपसे पूछ ले कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते हैं, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नाले पर बने हुए पुल, कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली ही जा रही थी। जंगलों से रास्ते रास्ता सुहावना था और उस पर थकावट के पार उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालास बना रहा था, पर जो जो बस आगे बढ़ रही थी, वो पूरी बस में बैठी है तो वो पूरी बता रही कि जो जो बस आगे बढ़ रही थी तो हमारा मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसा जी के नज़दीक हैं, कोसे से 18 मील चले गए, कोसे सिर्फ 6 मील है, पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, कहाँ गया वो अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मैंने एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी ने अधिक मोहा है। गांधी जी ने यह अनाशक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। कोसी नदी का नाम है कोसानी। ये नदी घाटी खेत गांव सुंदर है किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना स्वयं शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और जो जो कोसानी नज़दीक आता गया अधैर्य, मतलब जो जो कोसी नदी पास में आती गई जो जो उसका धैर्य कम होता गया कि जिस कोसी नदी के बारे में इतना सुना था पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बता रहा है इसमें। ये अधैर्य फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक गया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक प्रमुख लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर है पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो गया, मतलब कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू होगा। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी, फाइनली कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ़ का तो कहीं नाम ही निशान नहीं है, मतलब किसी ने कहा था उनको कि वहाँ तो इतना बड़ा दृश्य है और सब है पर वो जहाँ पे उतरी वहाँ पे ना तो बर्फ़ था ना कुछ भी था, कोई भी निशान नहीं था, बिल्कुल थके गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं, अन्न खाते हुए बस से उतरा के जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तंभ खड़ा रह गया। कितना अपार सुंदर बिखरा था सामने की घाटी में। इस कोसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में या तो केलियुकर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रही, इससे किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 500 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खे सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेल की लड़ियां सी नदियां। मन में बेखत
में यही आया कि इन बेलों की लाठियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आँखों से लगा लूं और अकस्मात हम एक दूसरे लोग में चले जाए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कर्ष कि लगा कि इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पहुँच कर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये कहा गया है कि उस किसी ने उसको बताया था कि इतना सारा इतना बढ़िया है, पर वो वहाँ पर उतरी तो उसको कुछ भी ठीक ठाक नहीं लगा। आप क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न का देखो, इतना बड़ा गद्यांश है और इसने खाली एक क्वेश्चन पूछा है। बताएं कहाँ से बस चलने के बाद रास्ते में के दृश्य बदलने लगी? रानीखेत, हिमालय, कोसानी या कोसी? बताएं। देखो इसका आंसर ऊपर ही आ गया। कहाँ से बस चली? तो कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। ऑप्शन नंबर ये रहा, ऑप्शन नंबर चौथा। कहाँ से बस चलने के बाद रास्ते का दृश्य बदलने लगी? तो कोसी से बस चलने के बाद रास्ते का दृश्य बदलने लगी। अगला क्वेश्चन है ये, देखो कोसी बस चली। अब अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अब गांधी जी को कोसानी में किस देश जैसा एहसास होता था? दक्षिण अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या रूस? बताएं। ये रहा इसका आंसर। गांधी जी ने कहा अनाशक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आवास कोसानी में ही होता है। कहाँ का? स्विट्जरलैंड का आवास कहाँ होता है? कोसानी। ये ना, गांधी जी को कोसानी में किस देश का एहसास होता था? तो ये स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर तीसरा। आपको एक बार उसको दो एक बार पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम में और इसके क्वेश्चन उसमें देख के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही सरल क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कहाँ पर अनाशक्ति योग लिखा था? गुजरात, कोसानी, कश्मीर या स्विट्जरलैंड? अभी हाल बताया मैंने। ये रहा उन्हें कोसानी ने अधिक मोहा है और गांधी जी ने यही अनाशक्ति योग लिखा था। कहाँ? कोसानी में। ये रहा गांधी ने कहा, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा, कोसानी में अनाशक्ति योग लिखा था। ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा, केल्लुकर के रंग बिरंगी घाटी में कौन वापस कर रहे होंगे? मनुष्य और पशु, कोई नहीं, देवी देवता, किन्नर और यक्ष? तो हमारा आंसर क्या होगा? किन्नर और यक्ष, ऑप्शन नंबर चौथा। भी अपन ने देखा था उसमें। गिरा मैं बताऊं क्या इसमें? देखता मैं बताता हूं। ये रहा इसका आंसर। ये इसने किन्नर और यक्ष ही वास करते हैं। किन्नर और यक्ष ही वास करते हैं। केल्लुकर के रंग बिरंगी घाटी में कौन वास करते हैं? मनुष्य पशु, नहीं तो ये रहा किन्नर और यक्ष। पाँचवा क्वेश्चन है, बर्फ देखो चिल्लाकर किसने कहा? शुल्क जी ने, सब ने, पाठक ने या लेखक ने? बताएं। बर्फ व देखो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपको लेखक ने। बर्फ व देखो चिल्लाकर कहा था लेखक ने। अगला क्वेश्चन है छठा, कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौन सा, कोसानी ने अधिक मुआए? लेखक ने ऐसा किसने कहा था? सहयोगी से, शुल्क जी से, किसी से नहीं या पत्नी से? बताएं। तो ये कहा था उसने सहयोगी से। किससे कहा था? कश्मीर के मुकाबले में कोसानी से अधिक मुहाय, ये कहा था उसने अपने सहयोगी से। इसमें आपको एक बार देख लेना, मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन सातवां, नदी को कहाँ लपेटने की बात करता है? गले में, कलाई में, किसी में नहीं या झोले में? बताएं। ये रहा इसका आंसर। ये इन बेलों की लड़ियों में उठाकर कलाई में लपेट लूँ, तो कहाँ पे लपेट लूँ? नदियों को कहाँ लपेटने की कहा था? ये नदियाँ को कहाँ लपेटने का कहा था? कलाई में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, कलाई में। अगला क्वेश्चन, अपार सौंदर्य कहाँ बिखरा हुआ था? पीछे की घाटी में, डाक बंगला में, सामने की घाटी में या पहाड़ी घाटी में? बताएं। अपार सौंदर्य कहाँ बिखरा हुआ था? तो देखो ये कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में, ये पूरा लिखा हुआ है। ये रहा सामने की घाटी में, तो हमारा आंसर क्या होगा? सामने की घाटी में। अगला क्वेश्चन है नोवा, कहाँ की घाटी बेहद सुंदर है? सोमेश्वर, विंध्याचल, कोसानी या रामेश्वर? बताएं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सोमेश्वर। कहाँ की घाटी बेहद सुंदर है? तो सोमेश्वर की घाटी बेहद सुंदर है। और आज आखिरी क्वेश्चन है दसवां, थकावट के बाद रास्ते का सुहानापन लेखक को क्या बना रहा था? मोहित, तंद्रासाल, उत्तेजक या विचारमग्न? बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, थकावट के बाद रास्ते का सुहानापन लेखक को तंद्रालस बना रहा था। ये मैंने आपको एक पेपर कराया है वर्ग दो में, जो अभी आई थी मिडिल स्कूल का एक व्यक्ति, तो उसका एक गद्यांश कराया। इससे पहले मैंने आपको 15 पेडोलॉजी क्वेश्चन करा दिए हैं। आपके आज 30 क्वेश्चन हो गए हैं, 25 क्वेश्चन।
ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करें। कल आपको फिर गणित, कल हिंदी ग्रामर का होगा या गणित पेडालॉजी का, दोनों में से एक होगा। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आए तो आपको डेली 11 बजे या 2 बजे एक बार विजिट कर लेना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।